तो दोस्तों फाइनली आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए गुड न्यूज, खुशखबरी, बड़ा अपडेट लेके हाजिर हो गया हूं। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज ये है कि ईपीएफओ ने यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इंटरेस्ट का पैसा, ब्याज का पैसा जो है पीएफ मेंबर्स के अकाउंट में जो है क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। कैसे आप जान सकते हो, कैसे आप पता कर सकते हो कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना इंटरेस्ट का पैसा यानी कि कितना ब्याज का पैसा आया है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले काफी अच्छा अपडेट है, गुड न्यूज है आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। और आपको जो है इस वीडियो के लास्ट में एक बात बताऊंगा, वो आपको जरूर सुन के जानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप पता कर सकते हो, कैसे जान सकते हो कि आपके पीएफ अकाउंट में जो कितना इंटरेस्ट का पैसा, ब्याज का पैसा ईपीएफओ की तरफ से क्रेडिट किया है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है मोबाइल में दिखाऊंगा, क्योंकि काफी सारे जो पीएफ मेंबर हैं उनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। तो आपके पास अगर मोबाइल है तो आप जो है अपने मोबाइल से पता कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई भी जो इंटरनेट ब्राउजर है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, उसको ओपन करना है। और जब ओपन करेंगे तो ईपीएफओ आपको जो है टाइप करना है। ईपीएफओ जब टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो ईपीएफओ की जो है वेबसाइट आ जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ईपीएफ पासबुक का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको प्रेस करना है। जैसे इस पर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है ईपीएफओ का जो पासबुक का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है और यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करना है और ये जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर मेंशन करके लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट मेंबर आईडी, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको जो है अपनी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जब यहाँ पर अपनी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ पर जो है पासबुक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पासबुक न्यू ईयरली का, इस पर आपको प्रेस करना है। और जैसे इस पर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है पीएफ की पासबुक आ जाएगी और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर आपको जो है फाइनेंशियल ईयर जो है 21-22 आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी करंट में जो ईपीएफओ जो ब्याज दे रहा है, जो इंटरेस्ट दे रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का दे रहा है 8.10 की दर से। तो यहाँ पर जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 21-22 सेलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा INT यानी कि इंटरेस्ट अपडेटेड, और यहाँ पर लिखा रहेगा 31-3-2022 और यहाँ पर आपके पीएफ अकाउंट में कितना जो है ब्याज का पैसा आया है वो यहाँ पर दिखा देगा। और जो नियोक्ता शेयर रहता है यानी कि जो कंपनी शेयर रहता है उसका जो पीएफ का अंशदान रहता है उसमें कितना ब्याज का पैसा है वो यहाँ पर दिखा देगा। और यहाँ पर जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है, पेंशन का जो पैसा रहता है, उस पर ब्याज नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो जो है इंटरेस्ट जो है ईपीएफओ ने क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैं साफ साफ मेंशन रहेगा INT यानी कि इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31-3-2022 यानी कि 31 मार्च 2022, और यहाँ पर जो है इंटरेस्ट का जो पैसा है, कितना क्रेडिट हुआ, कितनी अमाउंट आई है, वो यहाँ पर दिखा देगा। और इसके साथ साथ अगर आप जो है ओल्ड पासबुक में देखना चाहते हो तो यहाँ पर ओल्ड पासबुक का जो ऑप्शन है इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखा देगा कि यहाँ पर कब क्रेडिट हुआ, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर दिखा देगा कब क्रेडिट हुआ। तो इनका देख सकते हो अक्टूबर महीने 30 अक्टूबर को जो है क्रेडिट हुआ है, 30 अक्टूबर 2022, और यहाँ पर दिखा देगा यहाँ पर जो है INT इनकी इंटरेस्ट अपडेटेड 31-3-2022 और यहाँ पर जो है कितना जो है कर्मचारी शेयर में ब्याज का पैसा आया है और कितना जो है यहाँ पर नियोक्ता शेयर में आया है यहाँ पर दिखा देगा। पेंशन का जो पैसा रहता है उस पर जो है ब्याज नहीं मिलता, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पर देख सकते हो इंटरेस्ट का पैसा यानी कि ब्याज का पैसा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो है ईपीएफओ ने क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर आपको एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको लास्ट में एक बात बताऊंगा, वो जरूर सुन के जाना है। तो बात ये है कि अगर आप चेक करते हो और आपके पीएफ अकाउंट में अगर अभी तक नहीं आया है, 0 हो रहा है, NA लिखा आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी जो है ईपीएफओ ने जो है इंटरेस्ट का पैसा, इनकी ब्याज का पैसा जो है क्रेडिट करना शुरू किया है। और जो है आने वाले 10 से 15 मैक्सिमम बता रहा हूँ, 10 दिन में जो है 10 से 15 मैक्सिमम दिनों में आपके भी पीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा, इनकी ब्याज का पैसा आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको वेट करना है, प्रतीक्षा करनी है, धीरे धीरे ईपीएफओ जो है
पीएफ मेंबर्स के अकाउंट में जो है इंटरेस्ट का पैसा, इनकी ब्याज का पैसा क्रेडिट करता है। तो अगर आपका नहीं आया है तो आपको वेट करना है, थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी है। बाकी जो मैंने तरीका बताया है वो फॉलो करके आप जो है लगातार चेक करते रहिए। तो अगर आपके पीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा आ गया है या फिर नहीं आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।